नमस्कार, मैं रेनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। बदनावर में उपचुनाव में सियासी रंग धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है। बदनावर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सभा कर रहे हैं, जनसंवाद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दो बार आ चुके हैं, वही ज्योतिरादित्य सिंधिया भी यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के साथ सभा ले चुके हैं। आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बदनावर क्षेत्र के अनारत गाँव पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों के साथ जनसंवाद किया। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा, भाजपा प्रत्याशी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने भी संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दिमाग खाली है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और अगर दिमाग में कुछ है ही नहीं, दिमाग में विकास है ही नहीं, दिमाग में जनता की सेवा है ही नहीं, तो फिर नवरात्रि में भी बहन बेटी पूर्व सीएम को आइटम नजर आती है। एक और पूर्व मुख्यमंत्री महिला को आइटम बोलते हैं, एक और पूर्व मुख्यमंत्री महिला को टंच माल बोलते हैं। ऐसे ही कांग्रेस पार्टी का चरित्र उजागर होता है। वही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग आएंगे, आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने जो सवा साल में जो पाप किया है, उसकी भरपाई शिवराज सिंह चौहान को भी करना बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसकी सजा कांग्रेस के लोगों को देना चाहिए, उन्हें गांव में घुसने नहीं देना चाहिए। वह सभा करें तो उनसे जबान मांगना चाहिए कि सवा साल में तुमने क्या किया। सवा साल में यदि कुछ किया होता तो राजवर्धन सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होते। जो अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, अपने लोगों का संरक्षण नहीं कर पाए, उनके हाथ में मध्य प्रदेश का हित सुरक्षित नहीं है। यह कारण हमें समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि किसानों को आज़ादी के 73 साल बाद मंडी की जंजीर से आजाद किया है। आजादी का यह इंफ्रास्ट्रक्चर किसानों की तकदीर भी बदलेगा, तस्वीर भी बदलेगा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार को स्थायी सरकार में बदलने के लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन राजवर्धन सिंह को चाहिए। आपका एक वोट राजवर्धन को विधायक बनाएगा, लेकिन यही आपका एक वोट नरेंद्र सिंह तोमर की ताकत दिल्ली में बढ़ाएगा। आपका यही एक वोट शिवराज सिंह की सरकार को स्थायी सरकार के रूप में स्थापित करेगा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। यानी कितने परिवारों, कुछ हुआ, हमने 1,00,000 से ज्यादा व्यक्तियों का हमने भला किया। एक परिवार है वो अपन 5 सदस्य हो। तमाम सारे उद्योग के मामले में उद्योग मंत्रालय आपका है, 2,000 करोड़ के प्रस्ताव करीब हमारे पास आए, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, फूड प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट जोन, कोल्ड चेन, वेयर हाउसिंग, ड्राई पोर्ट, SEZ, एक्सपोर्ट जोन। इससे अच्छा मौका कभी नहीं आया। 21,800 खाद्यान्न पर्चियां बदलाव विधानसभा में स्वीकृत करी। राजवर्धन सिंह जी हमारे इस बारात के दूल्हा हैं। खाली है दिमाग, खाली है तो खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है, और जब दिमाग में कुछ है ही नहीं, दिमाग में विशाल विकास है ही नहीं, दिमाग में जनता की सेवा है नहीं, तो फिर नवरात्रि में भी बहन बेटी पूर्व मुख्यमंत्री को आइटम नजर आती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री महिला को आइटम बोलता है और एक पूर्व मुख्यमंत्री महिला को टंचमाल बोलता है। इससे ही कांग्रेस पार्टी का चरित्र उजागर होता है। कांग्रेस के लोग आएंगे, गुमराह करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने 7.5 साल में जो पाप किया है, उसकी भरपाई शिवराज सिंह चौहान को भी करना बहुत मुश्किल पड़ेगी। इसकी सजा कांग्रेस के लोगों को मिलनी चाहिए, उनको गांव में घुसने नहीं देना।
जवाब मांगना चाहिए, सवा साल में तुमने क्यों किया, क्या किया? सवा साल में अगर कुछ किया होता तो राजवर्धन सिंह जी और ज्योतिरादित्य जी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े नहीं होते। अपनी पार्टी को जो नहीं संभाल पाए, अपने लोगों का संरक्षण जो नहीं कर पाए, उनके हाथ में मध्य प्रदेश का हित सुरक्षित नहीं है, यह बात हमें समझना भी चाहिए और समझाना भी चाहिए। अभी राजवर्धन सिंह की विकास की बात कह रहे थे, मैं मध्य प्रदेश का हूं और अगर केंद्र में मैं पंचायत मंत्री हूं, ग्रामीण विकास मंत्री हूं, कृषि मंत्री हूं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूं, तो यहां तक पहुंचाने में मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता और जनता का भी बड़ा योगदान है। स्थायी सरकार में बदलने के लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका समर्थन राजवर्धन सिंह जी को चाहिए। आपका यह वोट राजवर्धन सिंह जी को विधायक बनाएगा, लेकिन आपका यही वोट नरेंद्र सिंह तोमर की भी ताकत दिल्ली में बढ़ाएगा। आपका यह वोट राजवर्धन सिंह जी को विधायक बनाएगा, लेकिन यही एक वोट शिवराज सिंह की सरकार को स्थायी सरकार के रूप में तब्दील करेगा। आपका एक वोट राजवर्धन सिंह जी को तो विधायक बनाएगा, लेकिन आपका यही एक वोट भाजपा को जिताएंगे, राजवर्धन जी को विधायक बनाएंगे। कृषि मंत्री हूं, फूड प्रोसेसिंग मंत्री हूं, तो यहां तक पहुंचाने में माफिया का रास्ता रहा। मैं नहीं कह रहा हूं तत्कालीन सरकार